साहिबगंज शहर में लगातार 3 दिनों से असामाजिक तत्वों के द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव के द्वारा नगर थाना में सोमवार की शाम दोनों समुदाय के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में उपायुक्त के अलावा पुलिस के कई वरीय पदाधिकारी के साथ दोनों समुदाय के दर्जनों लोग बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि शहर में धार्मिक उन्माद को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में उन्होंने जिलेवासियों से अपील किया है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, साथ ही आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला कोई भी तस्वीर या मैसेज को सोशल मीडिया के माध्यम से फॉरवर्ड न करें। कहा कि हर समुदाय के लोग पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। जिला प्रशासन आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता है। सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गया है, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके रिटेन करने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। जिला प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई लोग खिलाफ करेगा। उन्हें सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है, पूरे जिलावासियों से निवेदन है, शांतिपूर्ण माहौल में जो कार्य करें वो करते रहें और सौहार्द को ना बिगाड़ें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिला प्रशासन हमेशा आपके इस सहयोग के लिए आभारी रहेगा। थैंक यू। वहीं बैठक के दौरान आए दोनों समुदाय के लोगों ने अपने अपने सुझाव को साझा किया, जहां उन्होंने कई चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने, जुलूस के समय बैरिकेडिंग करने की व्यवस्था, कई स्थानों पर जुलूस के समय सीसीटीवी कैमरा लगाकर निगरानी करने, खराब पड़े सीसीटीवी कैमरा को ठीक कराने आदि का आग्रह किया है। वहीं उपायुक्त ने सभी आए लोगों से कहा कि आपकी मांगों को जिला प्रशासन सुनिश्चित कराने का हर संभव प्रयास करेगा। बैठक के बाद दोनों समुदाय से पहुंचे गणेश तिवारी और रमजान अली समेत अन्य लोगों ने कहा कि मंगलवार यानी आज साहिबगंज में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दोनों समुदाय के लोगों के द्वारा प्रशासन के सहयोग से शांति मार्च निकाला जाएगा। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की जाएगी। शांति समिति की बैठक हुई नगर थाना में, बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। मैं शहर के लोगों से, तमाम लोगों से, समाज के सभी वर्गों के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि किसी अफवाह में न जाएं और शहर में अमन चैन रहे, इसके लिए प्रयास करें और हम सब मिल करके इस शहर को आगे बढ़ाएं, आगे बनाएं। शहर में किसी प्रकार का हिंड्रेंस न होने दें और समाज में भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहें ताकि समाज में एकता और भाईचारा कायम रहे, हमारा शहर खुशहाल हो। इस दृष्टिकोण से हम शहर के लोगों को बार बार विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि शहर में शांति बनाए रखें और शांति बनाने के लिए ही हम सब यहाँ एकत्रित हुए और शांति समिति के सारे सदस्य का सुझाव आया कि हम सब मिलजुल करके काम करेंगे और शहर में अमन चैन बना रहेगा और हो सकता है कल शांति मार्च भी इस शहर में निकालने की बात हो रही है। बैठक से हमको सबसे बड़ा उपलब्धि जो नज़र आया वो ये नज़र आया कि जो मेरा प्यार के ऊपर हल्का छाया पड़ चुका था वो फिर से चमक गया और हमको उम्मीद लगता है कि हम सब मिल करके फिर से इस प्यार को पूरी तरह से अपने शहर में बांटेंगे और भाईचारा को मजबूत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। वही उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोत्ता की नेतृत्व में घटनास्थल समेत अन्य इलाकों में पैदल मार्च करते हुए क्षेत्र का जायजा लिया गया। वहीं फिलहाल पूरे साहिबगंज शहर को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। जगह जगह चौक चौराहों पर IRB और पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद ना फैले। वहीं हमारी न्यूज टीम भी साहिबगंज शहर वासियों से अपील करती है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट ना करें जिससे किसी को आहत पहुंचे। आपका दिन शुभ रहे।